तो पूनम मिश्रा रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनारस का बहुत ही फेमस नाश्ता कचौड़ी चना बनाने चल रहे हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने गैस को ऑन कर दिया था, इस पर कुकर को रख दिया था जो कि गर्म हो गया है। अब हम इसमें तेल डाल देते हैं, और छोले बनाना है तो हम सरसों तेल में ही बनाएंगे। ये तेल हमने डाल दिया। अब तेल को थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। ये देखिए, तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा भी चटक गया है। अब हम इसमें मीडियम साइज की दो कटी प्याज डाल देते हैं, चला देते हैं। प्याज को थोड़ा लाल होने देते हैं। अब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें देखिए, एक लहसुन है पूरा, और तीन चार हरी मिर्च है, ये छोटी सी अदरक हमने ले लिया है, और एक चम्मच इसमें हम जीरा और काली मिर्च डाल देते हैं। इन सबको हम थोड़ा सा पानी डालकर पीस देते हैं। ये देखिए, हमारा मसाला पिसा गया है। अब इसको हम डाल देते हैं। प्याज लाल हो गई है, और ये हमने इसमें एक चम्मच सूखा धनिया का पाउडर, और आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालकर हमने इसमें पानी डाल दिया था, और इसे भी हम डाल देते हैं। ये एक चम्मच नमक है, अपने स्वाद अनुसार आप डालिएगा। अब इसे चला देते हैं, सारे मसालों को मिक्स कर देते हैं, और अब इसे भून लेते हैं। इसे 5 मिनट ढक देते हैं हम। ये देखिए, मसाला भून गया अच्छे से। अब हम इसमें चना डाल देते हैं। ये हमने काला चना लिया है, इसे 4-5 घंटे हम भिगो दिए थे, फिर इसको उबाल दिए हैं। इसमें एक चुटकी सोडा डाल दीजिएगा उबालते समय, और 3-4 सीटी लगा दीजिएगा। ये देखिए, एकदम अच्छे से चना, ये देखिए, गल गया है। अब इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, 2 सीटी में आपका छोला तैयार हो जाएगा। तो अब इसे डाल देते हैं, और इसी कटोरे से हम 1.5 कटोरा पानी डाल देते हैं ऐसे। और हमने जिसमें चना उबाला था, वो पानी है, सोडा डालने की वजह से ऐसा कलर हो गया है। तो वो चने जिसमें उबले थे, वो पानी भी आप डाल दीजिए। अब इसे हम चला देते हैं और ढक देते हैं 1-2 सीटी लगने तक के लिए। तो छोला थोड़ा, ये कचौड़ी में डालना है तो इसे पतला ही रखेंगे, थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी ना बनाएं इसको, थोड़ा छोला पतला ही रखेंगे। दीजिए, अब इसे ढक देते हैं और इसमें 2 सीटी लगा देते हैं। अब हम कचौड़ी का आटा तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, 150 ग्राम के करीब मैदा है, इस कटोरी से 1 कटोरी हमने मैदा ले लिया है, और इसमें हल्का सा क्रश करके हम जवाइन डाल देंगे, ऐसे ऐसे करके मल के जवाइन डाल देंगे। आपका मन है तो आटे में थोड़ा सा नमक डालिए, नहीं तो मत डालिए, क्योंकि हर जगह नमक है। अब हम इसमें मोयन के लिए अच्छे से फारचून डाल देंगे, 3-4 चम्मच, क्योंकि कचौड़ी एकदम खस्ता बनाना है, तो इसमें फारचून थोड़ा सा बढ़ा के डालेंगे। अब हम सबको मिक्स कर देते हैं। देखिए, हमने इसमें अच्छे से मोयन को कर लिया है। ये देखिए, ऐसे ऐसे मुट्ठी बंधा जाए, तब आप आटे को गूँथिएगा। और इसमें अब हल्का हल्का पानी डालकर हम इसे गूँथ लेते हैं। देखिए, हमने कढ़ाई रख दिया था, तेल एकदम अच्छे से इसमें गर्म हो गया है। अब हम ये थोड़ा सा सौंफ, मंगरैल इसमें डाल देते हैं। अब ये हम कचौड़ी का मसाला तैयार कर रहे हैं। आँच को मीडियम ही रखें। अब ये हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच धनिया पाउडर लिए थे, इसको भी डाल देते हैं। और ये लहसुन मिर्च का पेस्ट है, इसे भी डाल देते हैं।
इसके बाद हमने देखिए 3-4 आलू मीडियम साइज का उबाल कर अच्छे से उसको महीन कर लिया था। अब इसे भी डाल देते हैं और ये आधा चम्मच अमचूर है खटाई और ये आधा चम्मच से भी कम नमक है, क्योंकि नमक हर जगह पड़ेगा इसलिए हम हल्का हल्का ही डाल रहे हैं सब में। अब इसे डाल दिए, अब हम इन सबको मिक्स कर देते हैं अच्छे से, मसाले आलू को मसाले में भून लेते हैं। ये कचौड़ी का मसाला है, देखिए मसाला भुना गया अच्छे से, आलू एकदम अच्छे से भुना गया है, देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है इसका। अब हम इसे निकाल लेते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। कि हमने मैदा को सान लिया था, 10-15 मिनट पे रेस्ट के लिए इसको रख दिया था और आलू का मसाला भी तैयार है। तो अब चलिए हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं और फिर इस मसाले को इसमें भरते हैं। छोटा छोटा पूड़ी से भी छोटा इसका गोला लेंगे हम, एकदम छोटा छोटा इसको लेंगे और फिर इसको चकला बेलन से बेल के फिर इसके अंदर मसाले को भरेंगे। ये देखिए छोटी छोटी पूड़ी ऐसे ऐसे पेड़े बना ले छोटे छोटे, फिर इसको हम बेल कर भरेंगे इसके अंदर स्टफिंग को। आप इसको हाथ से बेलना चाहें तो बेल लें, नहीं तो हाथ से भी आप इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा साइज करके और फिर इसमें आप हाथ से ही ऐसे बैटर ले लें थोड़ा थोड़ा और इसमें ऐसे डाल दें, इसके मुंह को ऐसे बंद कर दिया जाए, फिर ऐसे दबा के इसे ये देखिए गोला गोला शेप इस कचौड़ी का ऐसे ही रहेगा। ऐसे दबा दें इसको और फिर ऐसे गोला कर दें, ऐसे ही ये कचौड़ी बनेगी। देखिए बिल्कुल ऐसे, देखिए हमने भर दिया इसको, गोला कर दिए, फिर ऐसे रख देंगे। फिर अगली कचौड़ी को ऐसे ही थोड़ा सा बैटर इसमें मैदे का लगा के अब इसके अंदर फिर हम भर के आपको दूसरा भी दिखा देते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है, ये देखिए इसके मुंह को चारों तरफ से हम बंद कर देंगे ताकि तेल में खुले ना। ये देखिए बिल्कुल ऐसे बंद कर दीजिए और ऐसे दबा दीजिए इसको और फिर गोला कर दीजिए। ऐसे ही सारा हम भर लेते हैं। देखिए हमने सारी कचौड़ियों को भर लिया है, अब तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें एक एक कचौड़ियों को डालते हैं और तलते हैं धीरे धीरे। ये देखिए बिल्कुल अलग तरीके की कचौड़ी है, इसे एक बार ज़रूर बनाएं और आँच को मीडियम रखें। देखिए कितना सुंदर गोला गोला एकदम बना है। आँच मीडियम रहेगी तो अंदर तक पक जाएगा पूरा। ये देखिए कचौड़ियाँ हमारी हो गई हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कलर में हो जाएंगी तब आप निकालिएगा। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर में आ जाएंगी, तब थोड़ी थोड़ी देर पे आँच को थोड़ा हाई और थोड़ा मीडियम करते रहिएगा। ऐसे हम सारी कचौड़ियों को बना लेंगे। ये देखिए कचौड़ी को हमने प्लेट में रख दिया है, अब आपको बताते हैं कि इसे सर्व कैसे करना है। अब इसके ऊपर हम देखिए ये जो हमने चने का छोला बनाया था उसे हम ऐसे ही डाल देंगे, छोला बिल्कुल पतला ही रहे और ज़्यादा पतला ना रहे, ऐसे ही डाल देंगे। देखिए इस कचौड़ी और चने को ऐसे ही खाया जाता है, इसका नाम ही है कचौड़ी चना। ऐसे डाल देंगे, सबको भिगा देंगे रस्सा से और इसके बाद अब हम इसके ऊपर ये देखिए हमने इमली की मीठी चटनी बनाई थी, अब उसे डाल देते हैं। ये देखिए हम हरी चटनी डाल देते हैं, पुदीने और धनिए की हरी चटनी है। चटनी को हमने सिलबट्टे पर पीसा है, हम चटनी मिक्सी में नहीं पीसते हैं, स्वाद थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए हमने दही फेंट कर रखा था,
और इसमें भी थोड़ी सी चीनी डाल दिए थे और दही फेंट कर रखे थे, और इसको भी ऊपर से डाल देते हैं। ये देखिए अब ये कचौड़ी चना देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है। अब आप इसे ऐसे ही बनाइए और खाइए और बताइएगा कैसा बना है मेरा कचौड़ी चना। थैंक यू दोस्तों।